गुड मॉर्निंग माई डियर चिल्ड्रेंस, हाउ आर यू टूडे? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एट योर होम। इन टूडेज मैथ्स क्लास वी लर्न एक्सरसाइज 3D माइंड जिम क्वेश्चन नंबर 4। टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 5858। क्वेश्चन नंबर 4। अ रेस्टोरेंट गेट्स एन ऑर्डर फॉर अबाउट 160 प्लेट डिनर्स एवरी डे। अंडरलाइन 160 प्लेट। एक रेस्टोरेंट था जिसमें हर दिन डिनर की कितनी प्लेट्स ऑर्डर होती थी? 160। इफ द बिल ऑफ वन प्लेट डिनर इज ₹280, अगर एक डिनर प्लेट की कॉस्ट है ₹280, देन हाउ मच मनी डज द रेस्टोरेंट कलेक्ट इन अ डे एंड इन अ वीक। तो हमसे यह पूछा गया है कि वह रेस्टोरेंट एक दिन में कितनी कमाई करता था और एक हफ्ते में कितने मनी कलेक्ट करता था। अंडरस्टूड? तो आइए बच्चों, हम इसे नोटबुक में देखेंगे। ओके, हमने 160 को अंडरलाइन किया एंड ₹280 को अंडरलाइन किया। देन अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक दिन में वह रेस्टोरेंट कितने मनी कलेक्ट करता था? सो नंबर ऑफ डिनर प्लेट्स ऑर्डर्ड एवरी डे 160 प्लेट्स एंड बिल फॉर वन प्लेट ऑफ डिनर इज ₹280। सो मनी कलेक्टेड बाय रेस्टोरेंट इन अ डे। अब हम मनी, एक दिन में वह रेस्टोरेंट कितने मनी कलेक्ट करता था यह जानने के लिए हम ₹280 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से। ओके, सो जीरो को मल्टीप्लाई करें जीरो से, आ गया जीरो। जीरो मल्टीप्लाई विथ 8 also get 0, 0 multiply with 2 also we get 0. Then start multiplication with 6. 6 zeros are 0, 6 8s are 48, 8 6 2s are 12, 12 and 4 is 16. One zeros are 0, 1 8s 8, 1 2s 2, 0 as it is, 0 plus 0, 0, 0 plus 8 gives us 8, 6 plus 8 gives us 14. So write here 4 and 1 carry over here. आप या तो फिर यहाँ पे भी कैरी कर सकते हो और यहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। देन 1 प्लस 2 इज 3 एंड 3 प्लस 1 इज 4। सो देयरफॉर मनी कलेक्टेड बाय रेस्टोरेंट इन अ डे इक्वल्स टू हाउ मच? ₹44,800। अंडरस्टूड? देन अब हमने यह पता लगा लिया कि वह रेस्टोरेंट एक दिन में कितने मनी कलेक्ट करता था। तो अब हमें यह पता करना है कि वह रेस्टोरेंट एक हफ्ते में कितने मनी कलेक्ट करता है। ओके, सो अब तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे एक दिन का मनी कलेक्शन आया है उसको हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर ऑफ डेज इज इन अ वीक, नंबर ऑफ डे इन अ वीक इज 7,
So, money collected by restaurant in a day equals to rupees 44,800. So हमें क्या पता लगाना है? Money collected by restaurant in a week equals to how much? Understood? So, अब यह जानने के लिए हम क्या करेंगे? Number of days in a week. How much? 7 days. So, 44,800 multiply with 7. Understood? 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 eights are 56, 7 fours are 28 and 5 is 33 and 4 sevens are 28 and 28 and 3 is 31. So what we get as an answer? We get 3,13,600. Therefore, money collected by restaurant in a week equals to rupees 3,31,600. Understood? So, then we will move to question number 5. Look at these pictures and read the clues. Make your own multiplication problems and solve them. So student, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि 1,750 पैसेंजर्स हैं और यहाँ पे एक रिवर की पिक्चर है और कितने नंबर ऑफ स्टीमर्स कितने हैं? 15. तो आपको यह पता करना है कि 15 स्टीमर्स में कितने पैसेंजर उस रिवर से एक साइड से दूसरे साइड आएंगे. एक स्टीमर में कितने पैसेंजर आ रहे हैं? 1,750, है ना? तो 15 स्टीमर में कितने पैसेंजर आएंगे यह हमको फाइंड आउट करना है. तो आइए हमने यह क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, तो देखिए हमने यहाँ लिख लिया है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन वन स्टीमर इज 1,750 एंड नंबर ऑफ स्टीमर्स इज 15. सो नंबर ऑफ पैसेंजर कैरिड बाय 15 स्टीमर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. हमें यह पता करना है कि 15 स्टीमर में कितने पैसेंजर्स आने वाले हैं. सो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे? 1,750 पैसेंजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, है ना? 5 zeros are 0, 5 fives are 25, 5 sevens are 35, 35 and 2 37, 5 ones are 5, 5 and 3 is 8. Then we will multiply with 1. 1 zeros are 0, 1 fives are 5, 1 sevens are 7 and 1 ones are 1. Understood? Then we have to
add all these numbers. 0 as it is, 5 remain as it is, 7 and 5 gives us 12, 1 and 8 is 9, and 9 and 7 is 16, 1 and 1 is 2. So what we get? 26,250 passengers. Therefore, steamers carries 26,250 passengers. Understood? Then we will move to question number B. इसके लिए हमें बुक की आवश्यकता पड़ेगी. So, first read the question carefully. 2,500 roses. अब यहाँ पे roses दिए हैं. कितने roses हैं? 2,500. और हर एक rose की कीमत कितनी है? 15. तो हमें यहाँ पे 2,500 roses की कीमत कितनी होगी यह पता करना है. वैसे ही 1200 लिलीज है और हर एक लिली की कीमत है 30 रुपीज. तो हमें 1200 लिलीज की टोटल कीमत कितनी होगी यह फाइंड आउट करना है. और हमें यह भी पता करना है कि 350 ऑर्किड्स, जो कि हर ऑर्किड 75 रुपीज का है, तो 350 ऑर्किड्स कितने रुपए के होंगे यह हमें पता करना है. तो आइए, इसके लिए हमने क्वेश्चन को बुक में लिख लिया है इस प्रकार से. आपको भी इसी प्रकार से लिखना है. नंबर ऑफ रोजेस इक्वल्स टू 2,500. देन कॉस्ट ऑफ ईच रोज इक्वल्स टू रुपीज 15. सो हमें पता क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 2,500 रोजेस. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2,500 मल्टीप्लाई विथ 15. ओके, 5 0 0, 5 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 5 5 25, 5 2 10, 10 and 2 is 12. Then multiply with 1. 1 0 0, 1 0 0, 1 5 5 and 1 2 2. Then add shun. 5 remain as it is. 5 and 2 is 7 and 1 and 2 is 3. So what we get answer? Cost of 2,500 roses will be 37,500 rupees. 37,500. Understood? Then lilies. Number of lilies 1,200. Cost of each lily rupees 30. Therefore, cost of 1,200 lilies equals to how much? तो हमें यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 1,200 lilies multiply with 30. 0 0 0 0. अब हमने यहाँ पे 0 0 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0. 3 0 0 0, 3 0 0 0, 3 2 6 and 3 1 3. So what we get as answer? 36,000. Therefore, cost of 1200 lilies equals to rupees 36,000.
प्यारे बच्चों, यहाँ पे रुपीस की बात हुई है तो आपको रुपीस का साइन डालना मस्ट है। अगर आपने पेपर में इस क्वेश्चन अगर पूछा गया और आपने रुपीस का साइन नहीं डाला तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान देना है। देन नंबर ऑफ ऑर्किड्स, 350 ऑर्किड्स है। कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्किड इक्वल्स टू रुपीज 75, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 350 ऑर्किड्स इक्वल्स टू हाउ मच। तो यह पता करने के लिए हमने 350 को मल्टीप्लाई कर दिया 75 से। सो व्हाट वी गेट, 5 0 0, 5 5 25, 5 3 15, 15 9 2 17, देन 7 5 7 0 0, 7 5 35, 7 3 21, and 21 and 3 is 24. So what we get? We get 26,250. Therefore, cost of 350 orchids equals to 26,250. Understood? So students, we will meet in another video. Till then, stay home, stay safe and take care. Bye bye.